चलें, ये है 360 व्यू मोटर बाइक का, तो उसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे गोल्ड एडिशन है होंडा का, 2024 मॉडल। छोटी छोटी गोल्ड की सर्सी लगाई है नीचे, इधर कुछ परफॉर्मेंस पार्ट्स ये वाले मैंने नहीं छेड़े, वो तो बेहतर होता है। गियर लीवर ओरिजिनल ठीक है, जो नया गोल्ड लीवर लगाते हैं लोग वो नहीं लगता है, क्योंकि इसका इंजन बड़ा है ना, वो उसमें लगेगा नहीं। और गोल्ड का स्टैंड अच्छा है, चीज़ सारी अच्छी है, लग रही है। अच्छा स्टैंड जब आप लगाएं ना, तो ये दो इस तरह यहाँ पे बोल्ट लगाना मत भूलें, साथ नहीं आते मेरे पास पड़े थे। ये बोल्ट लगाने का फ़ायदा ये है कि स्टैंड ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, आपके चेन कवर को नहीं लगेगा। तो ये वाला बोल्ट है, इसका फ़ायदा ये है कि जब नीचे करोगे ना यूँ तो स्टैंड इस बोल्ट की वजह से रुक जाएगा और इस आगे नहीं जाएगा, बड़ा बुरा लगता है, तो इसलिए मैंने ये लगाए। और जगह भी इसलिए शायद बनी हुई, तो इनकी मैंने रबड़ें नहीं लगाई क्योंकि रबड़ें आती हैं, क्योंकि रबड़ टूट जाती है कुछ टाइम के बाद और अक्सर का जितना निशान पड़ सकता है ब्लैक, तो मैंने इसलिए लगाए। ये ऊपर कर लेते हैं ठीक है, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें लगाई हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है प्रो टैपर के, इसके अंदर इधर गैप होता है, वो गैप इसलिए कि आपके बिल्कुल पाँव में वाइब्रेशन नहीं आएगी, और जो गोल्ड एडिशन बाइक है उसके अंदर ऑलरेडी वाइब्रेशन ना होने के बराबर है। जब आप ये लगाएंगे ना तो बिल्कुल वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट पाँव पे, जो थोड़ी बहुत है भी। और ये रॉड मैंने लगाया था, ये होता है कि वाइब्रेशन ख़त्म करने के लिए, होंडा एक इसीलिए देता है अपने हैंडल बार के अंदर कि वाइब्रेशन ना हो। लेकिन जब मैंने दूसरा लगाया है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया बाइक। लेकिन जब आप इसको लगाओगे तो देखिए, मैंने रबड़े काट के बीच में लगाई, ये रबड़े कौन सी हैं, जो पाइप का पाइप मिलता है ना, ये पेट्रोल पाइप ये वाला, इस तरह का आप ले लें अच्छा सा शाइनी वाला, उसको काट के उसकी वॉशलाइन बना दें, यहाँ पे लगा लें, तो ये इसकी जो मूवमेंट होती है ना आगे पीछे की वो नहीं होगी और बेहतरीन फिटिंग इसकी बैठ जाएगी। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फिटिंग्स में प्रॉब्लम करती हैं। इस तरह ये वाली है, अब ये जो ये है ये इसके मोटी, ये मोटा है हैंडल बार और ये पतला है, तो इसको फिर मैंने हल्का हल्का एक एक चूड़ी दोनों तरफ से चढ़ा के चढ़ाया, तो यही तरीका था, वरना इसको अंदर से बराबर करना पड़ता। अब जिस तरह ये मीटर है, मीटर तो बड़ा बेहतरीन लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिवाय इसके किसी जो पतरी है ना वो लंबी है तो हैंडल बार से टकराती है, तो आप क्या करें पतरी को अंदर से थोड़ा सा काटना पड़ेगा, फिर इसको स्लाइड इन करके ऊपर से टाइट कर दें, बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है यहाँ से लूज़ है, ये जगह लूज़ हो जाती है ना थोड़ी सी, ठीक है, तो आप क्या करें, मैंने बीच में वो अंदर एक वॉशर डाली हुई है टेढ़ी करके ना, अंदर डाल दी थी और मैं जब इसको टाइट किया फिर मैंने इसको लूज़ किया चेक करने के लिए कि हैंडल आपका आगे पीछे तो नहीं होता, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगा हुआ ना, जो वो सही था फिर मैंने उनको दोबारा टाइट किया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपने देखनी होती हैं ताकि फिटिंग आपकी अच्छी आए। फिर अगर आप और चीज़ें लगा रहे हो तो जिस तरह ये टाइल्स लगाई हैं मैंने, 1, 2, 3 अच्छी तरह टाइल लगाएं ताकि आप जब वायरिंग करें तो मतलब कोशिश करें ऐसा लगे कि कंपनी से हो क्या है, ऐसी नहीं कि वायरिंग गुजरनी है रंग बिरंगी, पूरे बुरा लगता है फिर वो, ठीक है। अब लोग इसको क्या करते हैं, ओरिजिनल इसका फ्यूचर, इसको टेप से लगा देते हैं, मैंने टेप से लगाया, मैंने इसके अंदर से गुजारी है, इसके अंदर से गुजारी है टाई, ठीक है, इसके दो लॉक होते हैं ये वाले, इसके अंदर से टाई गुजारी है, एक इधर से गुजारी है, एक इधर से गुजारी है, टाई से लगाया बेहतरीन लग गया। टेप का नुकसान ये होता है कि आप कुछ टाइम के बाद चिप चिपकी छोड़ देता है, बुरा लगता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आप वायरिंग टेप भी चढ़ा सकते हैं, वायरिंग टेप जो होती है उसमें चिपकी नहीं होती, तो उसका फ़ायदा ही होता है वो कभी ख़राब नहीं होती। इसका जो एंड होता है वो अक्सर लोग उसको टाई कर देते हैं, या मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी समन कोण लगा के इसको लगा के ऊपर एक टाई लगा देता हूँ, तो वो भी अच्छी होती है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप चीज़ें लगा सकते हैं। लाइट्स को आपने हमेशा ऐसे लाइन करना है कि एक लाइट यूँ फैलती है ना, यूँ वी फैलती है, तो एक लाइट यहाँ पे हो, दूसरी की एंड यहाँ पे हो, तो ये प्रॉपर ब्राइट हो और यूँ जाए आउटवर्ड जाए एक और आउटवर्ड जाए दो, जब ये दोनों बीच में मिलती हैं वहाँ पे छोड़ दें और उसको नीचे रखें, क्योंकि ये नॉर्मल लाइट है। हाई लाइट सिर्फ इसलिए होती है कि आगे से कोई ऊँची रोड आ रही है या अचानक फोग है, तो उस वक्त आप यूज़ करें ताकि लोगों की आंखों में ना लगे, ठीक हो गया। और हमने क्या लगाया, छोटी छोटी चीज़ें वायर को कवर करने के लिए प्यारी लगती हैं, ठीक है। ये मैंने लगा दिया था, नए मॉडल को इजीली लग जाता है, ब्रेक वाला क्लच वाला नहीं लगता, क्योंकि ये जो लीवर आते हैं ना ये वाले, ये रिगो की आते हैं मेरे ख्याल से, और भी कंपनीज के भी होंगे, ये पतले हैं। और जो नया मॉडल है 2024 मॉडल, उसको मैंने क्या किया है कि जो क्लच है ना ये वाला यहाँ से ये काफ़ी मोटा है, पुराने वाले का पतला था, तो वो लीवर ईजिली आता नहीं है, वो खराबी से कुछ काम करवा के लगाना पड़ेगा। और जो ये बोल्ट है, ये बोल्ट भी मोटा है ना, यूँ मोटा है, उसका सुराख पतला है पुराने वाले क्लच का, जो फैंसी वाला उस तरह का रेगो का बोल्ट का,
तो करना क्या पड़ेगा, खराती के पास जा करके दो वॉशरूम लानी पड़ेगी ताकि वो ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि वो पतला है, सुराख उसका मोटा कराना पड़ेगा ताकि ये वाला बोल्ट उसके अंदर चला जाए। सो इस बोल्ट का बोल्ट मोटा है तो उसका सुराख मोटा कराना पड़ेगा, और वो जो रेगो का जो लीवर है क्लच का वो पतला है तो इधर वॉशरूम दिखानी पड़ेगी, फिर वो लगेगा। तो मैंने इसको छेड़ा नहीं, मैंने कटाया रहा, थोड़ा सा स्टाइल ही है फिलहाल यहाँ पर लगा रहा है। और चीज़ें भी दिखा देता हूँ जिस तरह आप ये चीज़ें लगाते हैं हाथ की प्रोटेक्शन के लिए। अब होता क्या है कि अक्सर लोगों के ना यहाँ पे हैंडल बार नज़र आ रहा होता, बड़ा बुरा लग रहा होता है, वो प्रोफेशनल नहीं लग रहा होता, तो मैंने इस गैप को कवर कर लिया। मैंने कैसे किया कवर, ये जो बारकोटा की जो हैंडल बार की ग्रिप्स आ रही हैं इसके साथ एक्स्ट्रा आती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आगे ना केबल्स लगाने के लिए ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर जाते हैं, तो दो मेरे पास थे, मैंने उनको इधर लगा दिया तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कवर है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आप इसको ब्लैक टेप भी कर सकते हो, अगर इधर गैप आ रहा है तो ब्लैक टेप करके फिर इसके ऊपर लगाओ ताकि वो कवर गैप नज़र ना आए, या कोई मोटी सी रबड़ लेके ना उससे गैप कवर कर लो तो ऐसा लगेगा इसने कंपनी से आ रहा है, मकसद ये है, एटलीस्ट कोशिश तो करें। फिर ये चीज़ है, इसी तरह इसका जो है यहाँ पे गैप था बीच में इस जगह पे, तो मैंने कैसे कवर किया कि ये जो चीज़ें थी ना ये प्रोटेक्ट करने वाली आपके क्लच और लिवर को, इसके साथ लोहे के इंटरनल थे, तो मैंने क्या किया रबड़ के इंटरनल लगा दिए। ठीक है, रबड़ के इंटरनल को थोड़ा सा मैंने बाहर खींची जब लगाया तो वो फैल गया है तो वो पता नहीं चल रहा, वरना होता क्या ये चीज़ आपके सर लगती है, ठीक है, एक्सीलेटर के साथ, तो वो फिर एक्सीलेटर जाम होता है। थोड़ा सा गैप रखा है लेकिन हैंडल नज़र नहीं आ रहा, गैप नज़र नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हो तो फिर आपके बाइक जो है वो लगता है कि हाँ यार अच्छा बना होगा, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना। ठीक है, और ये वाले जो हैं इनका प्रॉब्लम ये था, ये रिगो वाले जो आते हैं ना, रिगो वाले उनके बोल्ट मोटे आते हैं, ठीक है, वो नहीं लग रहे थे। फिर मैंने एक और कंपनी के लिए जिनके बोल्ट पतले थे लेकिन लगाए मैंने रिगो की, उसकी वजह ये थी कि रिगो का नाम इस साइड पर लिखा अच्छा लगा था, जो दूसरा ब्रांड है जिससे पतले बोल्ट आते हैं उसका यहाँ पर 313 आई थिंक लिखा हुआ है, वो भी बुरा लग रहा था तो वो मैंने नहीं लगाया। तो रिगो का ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कलर भी मैच हो गया, तो इसलिए ये कर दिया। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोचा था किसी और वीडियो में बताऊँगा लेकिन इसी में ही बता देता हूँ। फिर आ गया जी एक ये लगाया क्लब को कवर, क्लब की वायर गुजरने के लिए परफेक्टली लगता है, कुछ अच्छी चीज़ है ये चीज़ है, ये फैंसी है, इससे आपको पेट्रोल नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ये जस्ट फैंसी है। लेकिन एक प्रॉब्लम आई थी जब मैंने इसको लगाया था, इसके अंदर एक रबड़ होती है, वो रबड़ इसकी अपनी इतनी अच्छी नहीं थी, जब मैं बाइक थोड़ा चलाया तो ऑयल लीक हो रहा था, फिर मैं गया हूँ जाके मैंने दूसरी रबड़ ली है 125 की, क्योंकि ये है आई थिंक 70 के लिए, फिट तो हो जाता है इसको, लेकिन इसकी गेज अंदर छोटी सी है, तो मैंने वो 125 की जब रबड़ लगा के टाइट किया तो अब पेट्रोल लीक नहीं हो रहा। तो इस तरह ही बस छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जब लगाते हैं। तो जब आप प्रो टेम्पर के ये लगाएंगे फुट रेस्ट और वो लगाएंगे ऊपर बार, ये तो ऑलरेडी बड़ा स्मूथ बाइक है, ये और स्मूथ हो जाएगा। और अभी मेरा बाइक तो रनिंग पे है यार तो मैं फिर भी इसको थोड़ा भगा देता हूँ। तो पीछे मैंने चकोर लाइट लगाई थी, ठीक है, ये क्लासिक वाली, और अभी बस यहाँ सिग्नल चेंज करने हैं, ये गोल्ड वाले लगाने, तो बस इनफ है। और ये कवर मैंने लगाए थे थोड़े डिसेंट थे, ये ले रही है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं लेकिन ये डिसेंट थे, मैंने इसलिए लगाए थे। और हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो है ना ब्रेक लीवर, ये पूरा गोल्ड का आता है, मैंने इसलिए लगाया था, वो चाइनीज़ है, ये ना कहीं स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए तो काम ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने परफॉर्मेंस पार्ट्स पर नहीं छेड़ा। मैंने कहा कि उसके साथ जो ये बोल्ट आता है ना, ये वाला बोल्ट मैंने इसके ओरिजिनल बोल्ट के आगे लगा दिया, चलो खूबसूरत भी लग रहा है और हमारी परफॉर्मेंस और सेफ्टी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक हो गया, इसी तरह आगे ठीक है, चेक करें, ये मैंने पूरा लीवर नहीं लगाया क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, वो चाइनीज़ था, मैंने कहा ना ब्रेक श्रेक मारे हैं बंदा लॉन्ग टूट जाता है तो फ्री हो जाए, उसके दरमियान गैप भी था, यूँ ना गैप था तो टूटता तो नहीं है वैसे एलुमिनियम, लेकिन मैंने कहा यार रेस ना लें तो अच्छा है, तो ओरिजिनल लगा रहे जस्ट बोल्ट लगा लें तो डिसेंट लगेगा। सॉरी यार, तो ये सारी चीज़ें की, एक चीज़ मैंने और करनी थी, मैंने गोल्ड के रिम लगाने थे टायर में, अलाई रिम, उसमें ये है कि वो रिम लगाने थे गोल्ड वाले, वो मिलते हैं लाहौर से, मेरे पास टाइम था नहीं तो अभी लगवाए नहीं, हो सकता है बाद में कभी लगाएं, तो वो अगर लग गए तो बहुत प्यारा लगेगा मेरे ख्याल में बाइक। तो ये है बाइक, ठीक है, और ज़बरदस्त है, भागता भी बेहतरीन है। जहाँ तक वायरिंग की बात है, हो सकता है मैं किसी ने आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि वायरिंग कैसे करते हैं, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता, तो खुद से करें तो मज़ा आता है, मैं तो हमेशा से खुद से ही करता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।